देखिए, काफ़ी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए जो ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं। हाँ सर, उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो उस मदद को रोक रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं हूँ जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते, लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए जो ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी, इस बात को उनको समझना चाहिए। और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी ही पर्याप्त है आज की तारीख में। सर, CPS मामला भी पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट, किस तरह देखते हैं? CPS के मामले में अभी मेरी बात हुई दिल्ली में जो हमारे एडवोकेट है सतपाल जैन जी, कांग्रेस ने इस मामले को हाईकोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, और ट्रांसफ़र की दृष्टि से उस सारी चीज़ को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहां पर खड़ा नहीं हुआ। मनु सिंघवी को उनने वकील वहां पर प्रस्तुत करना था अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष रखने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, और इसलिए इनके वकील भी भाग गए। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस मामले का फैसला अब जल्दी होना चाहिए। कल फिर से हाईकोर्ट में ये मामला लगा है, और हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वकील दिए हैं उनने अपना पक्ष पूरा रख दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट की ओर से कुछ न कुछ निर्णय इस संदर्भ में बहुत जल्दी आए। सर, वर्तमान सरकार की तारीख को किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं? देखिए, 10 महीने का क्या, अब तो 11 महीने होने लग पड़े। एक सप्ताह बाद 11 महीने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हो जाएगा। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ है, मैं इस बात को कह सकता हूँ, कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं। सब जगह काम रुका पड़ा है, काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं। और 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना, ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो PW डिपार्टमेंट में, IPS डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए हैं, और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर